Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So today we will start your new chapter number 7, and the name of your chapter is Human Safety. Human safety means suraksha, insano ki suraksha. Now children, let's start reading your chapter. It is always good to be safe. Safe रहना, सुरक्षित रहना हमेशा क्या होता है? Good होता है, अच्छा होता है. You can remain safe only if you are careful. लेकिन आप तभी सेफ रह सकते हैं, तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप क्या होंगे? Careful होंगे, मतलब बिल्कुल सावधान होंगे. You have to keep yourself safe at home, in school, while crossing road, while boarding a bus, while playing and even when swimming. लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित तभी रह सकते हो जब आप क्या करोगे? जब आप अपने आप को सेफ रखोगे घर पर, स्कूल पर, जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, जब आप बस में हो, जब आप खेल रहे हो और जब आप स्विमिंग कर रहे हो, तो आप तभी सेफ रह सकते हो जब आप कुछ चीज़ों का ध्यान दोगे. जब आप घर पे हो, या आप स्कूल में हो, या आप रोड क्रॉस कर रहे हो, जब आप बस में हो, जब आप खेल रहे हो और जब आप स्विमिंग कर रहे हो, तो आप सेफ तभी रह सकते हो जब आप इन सब जगहों पर सावधानी बरतेंगे. सो फर्स्ट इज रूल्स ऑफ सेफ्टी. तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे रूल्स पढ़ेंगे सेफ्टी के. अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. लाइक फर्स्ट इज़ एट होम. जब हम घर पर हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नाउ सी, फर्स्ट इज़ डू नॉट टच स्विचेस एंड प्लग्स बेयर फुट और विथ वेट हैंड्स. अपने घर में जो आपकी बिजली के प्लग और स्विचेस होते हैं उन्हें कभी भी बेयर फुट मीन्स नंगे पैरों से और गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. अगर आपके हाथ गीले हैं या आपके पैरों में कुछ आपने पहना हुआ नहीं है और आपने स्विचेस को ऐसे टच कर लिया तो आपको करंट आ सकता है. ओके, डू नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स लाइक नाइफ, सीजर्स एंड ब्लेड्स. कभी भी तेज़ धार वाली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि आपके नाइफ हो गए, सीजर हो गए और ब्लेड्स. अगर आप इनसे खेलोगे तो आपको चोट लग सकती है. ऑलवेज वेयर स्लीपर्स, नेवर वॉक बेयरफुट. हमेशा पैरों में आपको स्लीपर्स पहननी चाहिए, कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए. Never tease stray animals. कभी भी आवारा जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. Do not throw waste on the floor. कभी भी floor means फर्श पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए. तो ये थे आपके कुछ सेफ्टी रूल्स जो आपको घर पर फॉलो करने चाहिए. Now next place is at school. अगर आप स्कूल में हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? Do not fight with your friends. कभी भी अपने दोस्त के साथ नहीं लड़ना चाहिए. Don't push each other on the staircase. जब कभी भी आप सीढ़ियों पर हो तो कभी भी एक दूसरे को push मतलब धक्का नहीं देना चाहिए. Don't use blade to sharpen your pencil. अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए, छीलने के लिए कभी भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो ये सारे के सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें स्कूल में फॉलो करने होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑन दी रोड. जब आप रोड पे चल रहे हो या रोड पे जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? ट्राई टू वॉक ऑन दी फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पर चलने की कोशिश करनी चाहिए. यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. रोड को क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए. You should not run on the road. रोड पर कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए. अगर आप सड़क पे दौड़ रहे हो, आगे से कोई गाड़ी अगर आ जाती है तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है. Watch the traffic lights, cross the road only when it is green. हमेशा ट्रैफिक लाइट को आपको ध्यान देना चाहिए. रोड को तभी क्रॉस करना चाहिए जब उसमें सिग्नल आपका ग्रीन हो जाए. ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? कि अब आप चल सकते हो.
लुक ऑन बोथ साइड्स एंड देन क्रॉस द रोड. जब कभी भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हो तो आपको पहले दोनों साइड दिखना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, उसके बाद ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. तो ये थे आपके सेफ्टी रूल्स जो आपको रोड पे जब आप चल रहे हो आपको फॉलो करने होते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन यू प्ले. जब आप खेल रहे हो तब आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए. प्ले सेफ गेम्स. हमेशा ऐसे गेम्स खेलने चाहिए जो बिल्कुल सेफ हो. डू नॉट प्ले विथ फायर. आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. प्ले इन अ प्ले ग्राउंड. हमेशा जो आपके मैदान होते हैं आपको वहीं पे खेलना चाहिए. अगर आप गेम्स रोड में खेलोगे तो आपको चोट लग सकती है. प्लेइंग ऑन रोड्स इज नॉट सेफ. सड़क पर खेलना कभी भी सुरक्षित नहीं होता है. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपकी एक ट्रैफिक लाइट बनी हुई है जहाँ पे आपकी थ्री लाइट्स है, रेड येलो ग्रीन. रेड सेज नो. रेड लाइट का मतलब क्या होता है? नो. येलो सेज वेट. वेट का मतलब इंतज़ार करिए. ग्रीन सेज गो. ग्रीन का मतलब क्या होता है? गो. ओके, नाउ देयर इज अ अवेयरनेस मैसेज लाइक शार्प टूल्स कैन कॉज हार्म. जितनी भी आपकी नोकीली चीज़ें होती हैं वो हमें हार्म कर सकती हैं. यूजिंग शार्प टूल्स लाइक ब्लेड्स नाइफ एक्सेट्रा कैन कॉज हार्म टू योर बॉडी, अवॉइड यूजिंग दैम. जितनी भी आपकी तेज़ धार वाली चीज़ें होती हैं, ब्लेड्स नाइफ सीजर, ये हमारे शरीर को नुकसान दे सकती हैं. ठीक है, हमें इससे चोट लग सकती है तो हमें इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. ओके, नाउ चिल्ड्रन दिस इज़ योर चैप्टर ह्यूमन सेफ्टी. इन दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन यू वट आर द सेफ्टी रूल्स विच वी हैव टू फॉलो एट होम, एट स्कूल, ऑन द रोड एंड वैन यू आर प्लेइंग. आई होप यू अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी क्लियरली. टिल देन थैंक यू सो मच एवरी वन. बाय बाय.